गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी क्लास है बेसिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल सेक्शन और इलेक्ट्रिकल सेक्शन दो सेक्शनों को मिलाकर ये जो सब्जेक्ट है उसको बनाया गया है। बच्चों जैसा कि हम आपको पता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेक्शन पढ़ा रहा हूँ और हमारे सर राजेश सर इलेक्ट्रिकल सेक्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद है इलेक्ट्रिकल वाले सर ने भी अपने कोर्स को शुरू किया है और हमारा तो मैकेनिकल का जो सेक्शन है उसमें आज लेक्चर नंबर 2.3 है। बच्चों आपको जैसा पता होगा कि अब हमारी जो पेपर का जो मोड होगा, जो पैटर्न होगा वो कैसा है, जो ऑब्जेक्टिव यानी नॉमिनल टाइप के प्रश्न होंगे। तो अब हमें अपनी जो पढ़ाई है, पढ़ाई के स्तर में कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, अब ऑब्जेक्टिव बेस पर सोचना होगा कि हम कैसे बच्चों कैसे हम क्वेश्चनों को पढ़ें ताकि हम पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो आज की जो हमारी क्लास है बच्चों वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड क्लास, ठीक है बच्चों। कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, आपको पता होगा कि ये जो हमारा चैप्टर 2 है उसमें ईंधन के बारे में हमें पढ़ना है कि ईंधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हमने आपसे पहले चर्चा कर रखी है। अब इस चैप्टर में हमें आज उनके पढ़ने के बाद हमें कंबशन के बारे में पढ़ना है कि कंबशन कैसे होता है, कंबशन से भी बताएंगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। हम बात करें अगर सीवी जो लिखा है इसका जो है बच्चों मान आपको पूछेगा कि सीवी का फुल फॉर्म क्या है, आपको पेपर में एक नंबर में आएगा आपको कि सीवी को कहते क्या है। सीवी का फुल फॉर्म होता है बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू, क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, यानी अगर हम बात करें हिंदी में तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं बच्चों, ऊष्मीय मान, क्या कहा जाता है इसे ऊष्मीय मान। इतनी बात समझ में आई, एचसीवी एक जो टर्म है एचसीवी, यानी अगर हम बात करें एचसीवी तो एचसीवी को क्या कहते हैं बच्चों, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब उच्च कैलोरी या उच्च ऊष्मीय मान, क्या कहते हैं इसे उच्च ऊष्मीय मान। इतनी बात समझ में आई, आपसे दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने अभी आपको बताए कि सीवी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और एचसीवी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। बच्चों याद रखना एचसीवी और सीवी का जो भी फुल फॉर्म है इसका मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट। यूनिट अगर हम बात करें तो यूनिट जो है वो किलो जूल पर केजी होती है, मतलब एक किलोग्राम के ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा हमें मिलती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान कहा जाता है। साथ ही साथ हम बात करें कि हमारा उच्च ऊष्मीय मान क्या होता है कि किसी ईंधन का बच्चों जो है उच्च ऊष्मीय मान जो होता है उसके यूनिट मतलब एक किलोग्राम के या एक किलो आयतन के माना जो है, अगर हम किसी भी ईंधन को जलाएं तो उससे हमें क्या दोस्तों मिलेगा, दहन से जो ऊष्मा मिलती है वही अगर उसमें से कंडेंसेशन यानी जल वाष्प की मात्रा को क्या करते हैं बच्चों हटा दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हाई क्लोरीफिक वैल्यू यानी एचसीवी का मान मिलेगा। तो आपको ये बात समझ में आई जो एचसीवी क्या होता है कि एक किलोग्राम या एक लीटर किसी अगर हम लिक्विड फ्यूल का बर्न करें उससे जो ऊष्मा मिल रही है उसमें जल वाष्प की मात्रा का मान अगर हम हटा दें तो मिलता है एचसीवी। इतनी बात समझ में आई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे सीवी और एचसीवी का जो फार्मूला है यानी जो सूत्र है इसके बारे में अगर पूछता है पेपर के ऑब्जेक्टिव में तो आपको ये सूत्र क्या करना पड़ेगा बच्चों, याद करना पड़ेगा। याद कुछ भी इसमें खास ये नहीं करना है कि हमारा क्या होता है एचसीवी और सीवी के फार्मूले में, मात्र अंतर करना ये होता है कि जो एचसीवी का फार्मूला होता है इसमें से हाइड्रोजनेशन ऑक्सीजन के अमाउंट को क्या कर सकते हैं बच्चों, घटा देते हैं, बाकी दोनों के सूत्र क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अभी तक हमने सीवी और एचसीवी के बारे में समझा। साथ ही साथ बच्चों आपको एक बात बताएं कि जो आपका पेपर है जो भी ऑब्जेक्टिव मोड का पेपर होगा वो विकल्पीय टाइप के प्रश्न आएंगे उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जितने प्रकार का हमने यहाँ पर गैसेस फ्यूल और लिक्विड फ्यूल के बारे में लिखा है तो
उनके ऊष्मीय मान के बारे में आप जरूर पूछ लेगा। तो एक क्वेश्चन उसका यहां पर फिक्स है कि ऊष्मीय मान का मान क्या होगा आपसे पूछेगा। जैसा कि आपको पता है कि गोबर गैस प्लांट होता है उसके लिए ऊष्मीय मान का ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मीय मान क्या होता है उसके लिए बच्चों 19 मेगा जूल पर केजी। साथ ही साथ बात करें वाटर गैस यानी जल गैस की अगर बात करें तो जल गैस के केस में जो मान होता है 10 से 20 मेगा जूल पर केजी होता है। अब बात करें प्रोड्यूसर गैस की, प्रोड्यूसर गैस को हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोड्यूसर कहा जाता है ना। तो प्रोड्यूसर गैस का मान क्या होता है बच्चों 5.5 से लेकर 6.5 मेगा जूल तक होता है। ब्लास्ट गैस की बात करें अगर ब्लास्ट करने से जो गैसें निकलती हैं धूम भट्टी की जो गैसें निकलती हैं उसका ऊष्मीय मान की बात करें तो 4-5 मेगा जूल पर केजी। साथ ही साथ हम बात करें जो कोल हमारा बर्न होता है उससे जो कोल गैसें निकलती हैं उनसे अगर हम बात करें तो 20-25 मेगा जूल पर केजी होता है। साथ ही साथ अगर नेचुरल गैस की बात करें प्राकृतिक गैस की बात करना चाहें तो हमें 65 मेगा जूल पर केजी एनर्जी क्या होती है ऊष्मीय मान होता है इसका। बात करें कोल तार की, कोल तार वगैरह के बारे में हमने आपने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था तो कोल तार की अगर हम बात करें तो 37-40 मेगा जूल पर केजी होता है। साथ ही साथ मिट्टी के तेल की बात करें तो इसका ऊष्मीय मान 45-47 होता है। डीजल और पेट्रोल की बात करें तो डीजल तेल का ऊष्मीय मान 38-42 और पेट्रोल का 42-44 मेगा जूल पर केजी होता है। साथ साथ कच्चे तेल की बात करें 47-48 मेगा जूल होता है। तो बच्चों आपसे पेपर में वो ये पूछेगा कि सबसे कम गैसियस फ्यूल में अगर देगा तो आप पूछेगा चार गैस का सबसे कम जो है किसका मान है। तो आपको मानों को याद रखना है। आपसे जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसे तो गैसे तो ब्लास्ट फर्नेस जो गैसे निकलती है इनका उसमें मान सबसे कम होता है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव के अनुसार आपको जैसा देगा उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा टिक लगाना होगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही नियम होगा कि जैसा वो हमसे कहेगा वैसे हमें करना होगा। अभी बच्चों मैं बगल होता हूँ 2 मिनट के लिए ताकि आप इसका शॉर्ट एक्सप्लेन ले सकें। आपके लिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव से यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं रहेंगे ठीक है। अब इसके बाद हम आपसे कंबस्शन डिस्कशन करेंगे तो अभी मैं बगल होता हूँ ताकि आप शॉर्ट एक्सप्लेन ले सकें। बच्चों हम बात जैसा कि कर रहे हैं आपसे कि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन क्लासेस है, हमने अभी तक आपको ये बताया है। अब हम बात करते हैं बच्चों कंबस्टन स्टेशन यानी दहन अभिक्रिया की, दहन अभिक्रिया की अगर हम बात करें कंबस्टन इक्वेशन इसे बोलते हैं, कंबस्टन इक्वेशन की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कंबस्टन इक्वेशन की दहन अभिक्रिया की, तो बच्चों जैसा कि दहन अभिक्रिया के बारे में कंबस्टन इक्वेशन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं तो आपको पता है कि जो हमारा ईंधन है वो ईंधन में क्या क्या हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे एलिमेंट पाए जाते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, कार्बन अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। इसी तरह सल्फर क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा या नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, इन सब की अभिक्रियाओं को हम क्या करेंगे एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा ईंधन है उसमें उपस्थित जो कार्बन है ठीक है बच्चों, जो कार्बन है उसकी अगर हम अभिक्रिया के बारे में बात करें, कार्बन की जो रिएक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि कार्बन की जो अभिक्रियाएं हैं वो कैसी कैसी हो सकती हैं। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाएगा बच्चों, एक तो बनाएगा हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। साथ ही साथ हमारे पास जो एनर्जी निकलेगी वो 33780 किलो जूल पर केजी निकलेगी। ये इक्वेशन आपसे पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इसे नोट करना होगा आपको ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है बच्चों एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन ये होगी
जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब वो हमारा बनाता है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है 10,000 किलो जूल पर केजी क्वेश्चन उत्पन्न होती है। इतनी बात समझ में आई। तीसरी जो इक्वेशन होती है वो होती है कि हमारा जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया बच्चों, हमारा ये बनाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, साथ ही साथ जो है हमारे 23,700 किलो जूल पर केजी की हमारी क्या होती है एनर्जी जनरेट होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको ये इक्वेशन बताए हैं इनका क्या महत्व है। बच्चों आपसे पूछेगा कि जो कार्बन की रिएक्शन होती है कंबशन इक्वेशन में, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो आपके सामने क्या करेगा बच्चों, पूछेगा कि जब कार्बन कार्बन ऑक्साइड से क्रिया करता है, या कार्बन ऑक्साइड से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके अभिक्रिया करके जो हमारा क्या है ऊर्जा देता है, तो आपको जो है देखना होगा किसमें एनर्जी ज्यादा जनरेट हो रही है उसी को टिक लगाना होगा। इतनी बात आई समझ में। अब हम जो पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सल्फर के दहन के बारे में, यानी रिएक्शन ऑफ सल्फर, सल्फर के दहन के बारे में, सल्फर रिएक्शन के बारे में। सल्फर के रिएक्शन के बारे में पढ़ने हैं, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो सल्फर डाइऑक्साइड देता है, और साथ ही साथ जो निकलती है 9,280 किलो जूल पर केजी की हमारी यहाँ सल्फेशन से आती है मात्रा हो जाएगी। बात आई समझ में। साथ ही साथ हम बात करें कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो रिएक्शन करके ऑक्सीजन से क्या देता है, तो जो हमारा हाइड्रोजन है H2 plus O2 यानी जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करके हमें क्या देगा बच्चों, वाटर देता है, पानी देता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी की जो मात्रा उत्पन्न होती है वो 14,200 किलो जूल पर केजी होती है। तो बच्चों हम आपको बस इतना ही बताना चाहते हैं इन क्वेश्चन के माध्यम से कि आपको जो है किस क्वेश्चन में कितनी एनर्जी डेवलप हो रही है, वो मेन आपका पर्पस ये होता है एग्जाम का कि सल्फर में कितनी एनर्जी उत्पन्न होगी। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा हाइड्रोजन के थ्रू अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो कितनी एनर्जी डेवलप होगी। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के डेवलप हो रहे हैं इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर जैसे मीथेन जो गैस होती है हमारी, मीथेन गैस के रिएक्शन की बात करें, तो मीथेन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आपने अगर उसके अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ा होगा तो उसमें होता है मीथेन, मीथेन को CH4 से डिनोट करते हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। अब हम बात करें अगर मीथेन की बर्निंग हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। इतनी बात समझ में आई। तो आपसे ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि दहन के ईंधन में जब हमारे पास मीथेन है उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जा रही है तो क्या बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए धन्यवाद आपका। अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं उसमें मान से संबंधित एक प्रश्न आएगा आपका, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है कि दहन के फलस्वरूप कितनी ऊर्जा बन रही है, सल्फर बनता है कितनी ऊर्जा बनेगी, ऑक्सीजन हो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है कितनी ऊर्जा बनेगी, साथ ही साथ आपका अगर मीथेन से रिएक्शन हो रहा है तो क्या आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते रहिए, साथ ही साथ जो हमारे द्वारा क्लासेस में बताया जा रहा है या हमारे और भी सर के द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल का सेक्शन हो चाहे और भी किसी का सेक्शन हो, उसको आप प्रॉपर पढ़ते रहिए क्योंकि पेपर आपका होगा और जैसा कि गाइडलाइन है कि हमें भूमिकल के टैक्स प्रश्न आपको देने हैं पढ़ाने हैं, तो उस हिसाब से अब हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही साथ जो आप घर